हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास 10 प्लस टू अकाउंटेंसी। माय नेम इज़ मनीत फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई सैरगढ़। हम इसका सेकंड चैप्टर कर रहे थे, आज का पार्ट 4 करेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड। हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद एक मेथड किया था उसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला, जिसके अंदर हमारे दो पार्ट थे और उससे हमने क्या निकाली थी, गुडविल निकाली थी। अब तो अब आगे इसके नेक्स्ट पार्ट है। पहला हमारे पास सुपर प्रॉफिट, फिर आ जाएगा कैपिटलाइज मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड है, इनसे हमें गुडविल कैलकुलेट लेंगे। ठीक है, आज के जो क्लास में हम करेंगे वह एग्जांपल हम इन मेथड को समझेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास है सुपर प्रॉफिट। पहला क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड, वैसे इसका फार्मूला देख लो पहले। गुडविल इक्वल टू क्या होगा, जी डब्ल्यू गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमने पहले भी किया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे कितने ईयर्स परचेज के लिए गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक इसमें वर्ड आ रहा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट जो प्रॉफिट से ऊपर हो। ठीक है, जितना नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है उससे ज़्यादा जितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस आ जाएगा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट निकालेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वही होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इस पर हमें एक रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है। जैसे हमारे पास 1 लाख कैपिटल है और इस पर 10% रिटर्न है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 10,000 हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होगा हमारे पास कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट होगी जो अपॉन में 100। ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो नॉर्मल रिटर्न अपॉन में 100 करके इनटू कैपिटल करके हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, क्या हमारे पास क्या जाए, गुडविल। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसे 3 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया है, 2006 का, 7 का और 8 का। ये हमें दे दिया, जैसे 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया और 30,000 दे दिया। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम मानते हैं, हमने मान ली 1,50,000 रुपये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न मान ली हमने 10% है। ठीक है, तो पहले हम और 2 ईयर परचेज, जैसे 2 ईयर परचेज लिखा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो गुडविल के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक तो निकालना हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, उससे हमारे पास क्या सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर को नंबर ऑफ पीरियड से गुणा करना है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 30 30 और 30 से आ जाएगा 60,000। ठीक है, और ईयर कितने हैं, 3 ईयर हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 20,000 के आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया, सॉरी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। अब निकालें हम नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसमें क्या आएगा, हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 15,000, 1,50,000 इनटू नॉर्मल रेट, अमाउंट कितने हैं, 10% दिया, 10/100 कर देंगे, तो 20 कैंसिल हो जाएगी, ये आ गया हमारे पास 15,000। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट, वो क्या था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 20,000 और इसमें से लेस कर देंगे हम 15,000। ठीक है, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे आगे हम गुडविल, तो गुडविल में हमारे क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000 आ गया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था,
टू ईयर दिया था, तो इंटू टू कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10,000। ये हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई, ठीक है। किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। 10,000 हमारे पास गुडविल आ गई। आगे हमारे पास है कैपिटलाइज प्रॉफिट, कैपिटलाइज मेथड, ठीक है। क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड मेथड, ठीक है। कैपिटल मेजर के आगे दो पार्ट है, एक तो आ जाएगा हमारे पास, दो पार्ट है इसके। पहला आ जाएगा कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा हमारे पास कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। दो मेथड आ जाएंगे, कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो पहला हम इसके अंदर क्या फार्मूला रहेगा, तो उसमें गुडविल हमारी आएगी, क्या आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और इसमें से माइनस कर देंगे हम नेट एसेट्स, ठीक है। अब इसमें आएगी तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो वो क्या आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू किस निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो उसमें इसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, लेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में आरआर, आरआर हमने पहले क्या था, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्चुअल प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट आया है, इनटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, आरआर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और एक इसमें है नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स क्या आ जाएगी हमारी, नेट एसेट्स आ जाएगी टोटल ऑफ एसेट्स, जो टोटल एसेट्स थी हमें उसमें से माइनस कर देंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हमें बाहर वालों को पे करनी होती है, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी कैपिटल एड होती है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो बाहर किसी को पे करनी है वो घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगी, ठीक है। फिर है कैटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, तो गुडविल कैसे आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में आरआर, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में आरआर, ठीक है। इन दोनों मेथड को हम आगे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास आ जाएगा कौन सा, जो हमारा पहला पार्ट था इसके अंदर, कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो हम एग्जांपल एक बुक में से ही उठा रहे हैं, तो वो आपका रहेगा, इसमें हमें एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हमें दिया है एवरेज प्रॉफिट दिया है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया 5 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी है, वो दिया हमें 10%, ठीक है। और एसेट्स दिए हमें 55 लाख रुपए, ठीक है। और एक दिया एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो दिया 14 लाख रुपए। और नंबर ऑफ ईयर परचेज इसके अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, पहले निकालेंगे हम हमारे गुडविल का फार्मूला क्या आएगा, गुडविल इक्वल टू क्या थी, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एस, माइनस कर देंगे इसमें नेट एसेट्स, नेट एसेट्स इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू, उसके लिए क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, क्या लेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, वो कितना दिया हमें, 5 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। 5 लाख रुपए मार के एवरेज प्रॉफिट है, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट है तो उससे हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो उसका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि 5 लाख रुपए और गुणा में 100 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10% था। तो ये हमारे पास आ गया 5 लाख गुणा में 10 कितना आ जाएगा, 50 लाख रुपए हमारी क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक है। 50 लाख रुपए में कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब निकालते हैं हम नेट
एसेट्स। नेट एसेट्स क्या आ जाएगी, टोटल ऑफ एसेट्स कितनी है 55 लाख रुपए हैं, और माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो कितनी है 14 लाख रुपए हैं, ठीक है। ये आज हमारे पास 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपए क्या आ गया नेट एसेट्स आ गए, नेट एसेट्स आ गए 41 लाख रुपए। अब क्या करेंगे हम टोटल, अब हमारे पास बच कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट एसेट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गए 50 लाख रुपए, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 50 लाख रुपए, ठीक है। माइनस कर देंगे हम 41 लाख, तो ये आ जाएगा 9 लाख रुपए हमारी क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइज मेथड से बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और इसका एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम सुपर प्रॉफिट बड़ा करेंगे, तो हमें दिया है कैपिटल, दिए कैपिटल दिया हमें 16 लाख रुपए, और रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, और एवरेज प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपए, और इसमें बस इतना चाहिएगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपए है, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल कैपिटल का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसे उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो 16 लाख का 10% कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपये, ये क्या आ गया हमारे पास, इससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख माइनस 1,60,000 आ जाएगा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। आगे निकालेंगे गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में आरआर ये करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 40,000 आ गया, गुणा में करेंगे 100 और भाग में करेंगे रेट ऑफ 10%, तो 40,000 गुणा 10 कितना आ जाएगा 4 लाख रुपये हमारी गुडविल आ गए, ठीक है। तो ये जो मेथड थे हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के, ये सारे कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।